Hello students, this is Rajiv Atri. In this video we will discuss parallel plate capacitor. First of all, the word capacitor, what does the word capacitor means? Capacitor is a device. Capacitor is a device. Or we can say that arrangement which is used to store charge, or we can say that electric energy, large amount of electric charge or electric energy in small region. So students, this is a capacitor. Now parallel plate capacitor, what is parallel plate capacitor? If two parallelly placed conducting plates separated by distance small d, having area of cross section A, connecting by a external source of voltage V, then it is called a parallel plate capacitor. Students, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि एक कैपेसिटर के बीच का जो डिस्टेंस लिया जाता है, बीच का जो स्पेस लिया जाता है, वो बहुत छोटा लिया जाता है एज कंपेयर टू एरिया ऑफ दैट प्लेट्स. सो कैपेसिटर अब चार्ज होना शुरू कैसे होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू कैसे होता है? चार्जिंग बिकॉज इट इज अ कंडक्टर. तो ये जो बैटरी क्या करेगी, पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचना शुरू कर देगा. यहां से इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट कर देगा और इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां भेजने लग जाएगा. होगा क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मेंस ये प्लेट कैसी चार्ज हो जानी चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज हो जानी चाहिए. सिमिलरली उस साइड इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, दैट्स व्हाई वो प्लेट कैसी चार्ज हो जानी चाहिए, नेगेटिवली चार्ज हो जानी चाहिए. दिस इज अ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर. सो व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? इफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स आर प्लेस्ड parallelly, having an insulating medium in between them. अभी जब ओनली हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे तो उसके बीच में हम कोई मीडियम नहीं डालेंगे. देन आफ्टर अगर हमें कंडक्टिंग मीडियम के बारे में बात करनी है तो उसके लिए एक अलग टॉपिक है, एंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में बात करनी है उसके लिए एक अलग टॉपिक है. बट स्टिल इसके बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए, वही है एक सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ओके, पैरेलली हैविंग इंसुलेटिंग मीडियम इन बिटवीन देम, connected with a potential source, this is called a parallel plate capacitor. Now capacitance find out करते हैं इसी parallel plate capacitor का. Capacitance of a parallel plate capacitor derivation करते हैं एक छोटा सा. और students, parallel plate capacitor हो, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो या फिर स्फेरिकल कैपेसिटर हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दीजिए या कंडक्टिंग स्लैब डाल दीजिए, इस टाइप के 5 डेरिवेशन हमें और करने हैं. एंड हर एक डेरिवेशन में 3 स्टेप बताऊंगा, वही 3 स्टेप आप फॉलो कीजिए, हर एक डेरिवेशन क्लियर होगा.
So capacitance of a parallel plate capacitor. Capacitance of parallel plate capacitor. Topic का नाम. Capacitance निकालने के लिए as we know पहले मैं आपको जो तीन steps बताऊंगा उनके description दे दें. तीन step आए तो आए कैसे? देखिए capacitance Q by V होता है. Charge हमें पता है कि वो amount of charge इसने store किया है. V by definition what is V? Work done by charge. Now what is work done? Force dot displacement. Displacement is the region in between the plates divided by Q. Force per unit test charge. What is it? Force per unit test charge. It is electric field A dot D. So we can put the value of V. C is equal to Q by V. V क्या है? E dot D है. फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारा होगा अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का. पहला स्टेप जो है उसमें हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकलेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा. सो इन सेकंड स्टेप हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. नाउ एज we have find electric potential, then after capacitance. From these three steps we can find capacitance of any type of capacitor. Okay, ये तीन steps apply करें और किसी भी capacitor का capacitance निकालें. So पहले इसकी थोड़ी सी हम introduction में लिख देते हैं कि as two conducting plates having area of cross section A separated by distance D, having uniform charge distribution. Uniformly charged है तो uniform electric field भी होगी इनके बीच में. Having uniform charge distribution and hence electric field. What is electric field? हमने गॉस लॉ की फोर्थ एप्लीकेशन के बाद हमने उसका एक स्पेशल केस भी किया था. वो स्पेशल केस क्या था? इन बिटवीन टू प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन टू प्लेट्स क्या निकल के आई थी? सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. नाउ व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंट. इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सर्फेस ऑफ ए कंडक्टर. डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टेंट सर्फेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज सिग्मा विल बी क्यू डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट. Term used, sigma is equal to charge per unit area. पता होना चाहिए हमें. Sigma, surface charge distribution. Lambda, line charge distribution. And rho is volume charge distribution. Now electric potential, as we know, V is equal to E dot D. E, electric field, put from is equal to V. This is our electric potential. Potential as the charge stored into on plates, that is their potential is a potential हो गया. Now capacitance by definition capacitance is equal to Q divided by V. On putting Q divided by A epsilon naught into D. Q to Q cancel. Reciprocal E naught A divided by D. This is the capacitance of a parallel plate capacitor. E naught means epsilon naught A divided by D. So students, if you like the video then please subscribe, and if you have any doubt then please put it on your comment section. Thank you for watching.